तो यहाँ पर मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले एक चीज दिखाता हूँ, मेरे इस चैनल के ऊपर सारी वीडियोस पर कॉपीराइट आ रखा है। अगर यहाँ पे देखिए रेस्ट्रिक्शंस में कॉपीराइट और ये तो कुछ 30 वीडियोस है, इसके अलावा अराउंड इससे भी ज्यादा 40 वीडियोस पे मेरे कॉपीराइट आ रखा है। अभी यहाँ पर मैं दिखाऊँ, मेरे को ऐसा कुछ मेल आया, हाय अक्ष वर्मा व्लॉग्स, ये मेरा दूसरा चैनल है, ये चैनल नहीं है, ठीक है। किस कंपनी ने मारा है, फ्रेश ट्यून्स का क्लेम इन्होंने किया है, ये जो क्लेम आ रखा है ये पर्टिकुलर एक वीडियो क्लेम आ रखा है, ऐसी मेरी सारी वीडियोस पर क्लेम आ रखा है, तो ये एक टाइप का क्लेम हो गया। अगर मैं यहाँ पे आपको ये दिखाऊँ चैनल मोनेटाइज है आपका, तो यहाँ पर एक और चैनल मेरे सामने है जिसमें भी सारी वीडियोस पर कॉपीराइट आ रखा है, कॉपीराइट लगभग 30 से भी ज्यादा वीडियोस में, इसमें भी कॉपीराइट आ रखा है, और ये कॉपीराइट क्लेम है, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं, कॉपीराइट क्लेम। और इस वीडियो के अंदर मैं यही बताने वाला हूं कि कैसे हमें इस कॉपीराइट क्लेम को रिमूव करना है हमारे चैनल से। तो कॉपीराइट होता क्या है, कॉपीराइट क्लेम में कॉपीराइट क्लेम क्यों आता है, ठीक है। सबसे पहले कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक दोनों अलग चीज है, कॉपीराइट स्ट्राइक से आपके चैनल पर इंपैक्ट पड़ता है एंड कॉपीराइट क्लेम से आपके चैनल पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट एक चीज पे इंपैक्ट पड़ेगा वो है आपका मोनेटाइजेशन, लाइक चैनल का मोनेटाइजेशन नहीं, वीडियो का मोनेटाइजेशन। वीडियो जिस वीडियो पे आपको कॉपीराइट क्लेम मिला है उस वीडियो का जो रेवेन्यू होगा, जो भी वो वीडियो पैसा कमाएगी, वो जाएगा उसके पास जिन्होंने क्लेम मारा है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कंपनी का बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया, फॉर एग्जाम्पल आपने एपिडेमिक साउंड एक कंपनी है उनका बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर लिया अपनी वीडियो के अंदर, अब वो क्या करती है सब्सक्रिप्शन बेसिस में अपना म्यूजिक देती है, लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं था, आपने बिना सब्सक्रिप्शन के उनका बैकग्राउंड म्यूजिक अपनी वीडियो में यूज कर लिया, तो आपको कॉपीराइट क्लेम मिल जाएगा और आपकी वीडियो का पैसा जो भी वो कमाएगी क्लेम के बाद वो जाएगा कंपनी के पास एपिडेमिक साउंड के पास। तो मोस्टली जो कॉपीराइट क्लेम आते हैं वो बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से आते हैं, साउंड की वजह से आते हैं, जो भी आप म्यूजिक यूज करते हो उनकी वजह से आते हैं। तो आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यूज करो सबसे पहले, तो ये चीज अगर आपको नहीं पता कहां से उठाने तो ऊपर आई बटन मैंने वीडियो बना रखी है, उसको वॉच कर सकते हैं। तो कॉपीराइट क्लेम को रिमूव करने के लिए सबसे पहले अपने को आना है YouTube स्टूडियो के अंदर, YouTube स्टूडियो के अंदर आने के बाद आपको लेफ्ट साइड में कंटेंट मिलेगा, कंटेंट में आ जाओ, कंटेंट में आने के बाद सबसे पहले अपने को वो वीडियोस ढूंढनी है जिनमें कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आ रखा है। फिलहाल हम कॉपीराइट क्लेम के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो फिल्टर पे गए, फिल्टर पे यहाँ पे कॉपीराइट का बटन है, कॉपीराइट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया, वो सारी वीडियो नजर आ जाएंगी जिन पे कॉपीराइट आ रखा होगा, ठीक है। इन सारी वीडियोस पे कॉपीराइट आ रखा है और यहाँ पे इनएलिजिबल दिखा रहे हैं मोनेटाइजेशन के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे हवर करता हूँ, हवर करके इन पे यहाँ मुझे सी डिटेल्स पे अगर मैं क्लिक करूँगा मुझे ये नजर आ जाएगा किसने कॉपीराइट मारा है, ठीक है। ऐसी में बाकी वीडियोज में अगर मैं देखूँ यहाँ सब में कॉपीराइट आ रखा है। अब मैं कोई एक वीडियो पकड़ता हूँ, इसको जैसे मैंने ओपन करा इस वाली वीडियो को, यहाँ पर अगर मैं देखूँ मैं वहाँ से भी देख सकता हूँ, यहाँ से भी देख सकता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा कॉपीराइट के अंदर, कॉपीराइट पहले मोनेटाइजेशन में दिखाया तो आप मोनेटाइज नहीं कर सकते इस वीडियो को, यहाँ पे आ जाएगा इनएलिजिबल, ये मोनेटाइजेशन इनएलिजिबल आ रहा है, ठीक है, आप नहीं कर सकते क्योंकि इस पे कॉपीराइट क्लेम आ रहा है, जैसे यहाँ पर आ रहा है कॉपीराइट प्रोटेक्टेड कंटेंट फाउंड द ओनर अलाउज द कंटेंट टू बी यूज्ड बट यू कांट मोनेटाइज योर वीडियो, कंटेंट को यूज कर सकते हो लेकिन मोनेटाइज नहीं कर सकते। सी डिटेल्स पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे नजर आ रहा है किसने कॉपीराइट क्लेम दिया है, तो यहाँ पे दिख रहा है इस मिनट पे कॉपीराइट क्लेम है 1:17 से लेकर 2:34 तक। अब यहाँ पे अपने को कुछ ऑप्शंस मिलते हैं कॉपीराइट क्लेम हटाने के लिए, सबसे पहला ऑप्शन ट्रिम आउट सेगमेंट, सेकंड ऑप्शन रिप्लेस सॉन्ग, थर्ड म्यूट सॉन्ग और फोर्थ डिस्प्यूट। तो आप अगर कर सकते हो सिंपल चीज करो कि ट्रिम आउट सेगमेंट, अगर आपको पता है आपने किसी ऐसे कॉन्टेंट यूज करा है जो उन्हीं का कॉन्टेंट है, आपने यूज कर लिया कॉपीराइट बनता है जहां पर उनका देना, तो आप उस पार्ट को हटा दो, ट्रिम आउट कर दो, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज तो यही है कि कोई इशू नहीं है, आपने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ट्रिम कर दिया कंटिन्यू, ठीक है। कुछ टाइम लगेगा ट्रिम करने के लिए, आपने ट्रिम करा, ठीक है, ये पार्ट ट्रिम हो जाएगा कुछ देर बाद, ट्रिम पे डाल दिया मैंने, वीडियो एडिटिंग इज इन प्रोग्रेस, ठीक है। टाइम लगेगा, मेरे को नोटिफिकेशन आ जाएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा और मेरे इस वीडियो से पर्टिकुलर कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन आप ट्रिम आउट नहीं कर सकते क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपको लगता है ठीक है बैकग्राउंड म्यूजिक है सिर्फ आपने बोला है लेकिन वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप क्या करते हो सॉन्ग रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस सॉन्ग पे क्लिक करो और यूट्यूब की जो ऑडियो लाइब्रेरी है वहां से आप कोई भी गाना पिक करके एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हो, वो सारा काम यूट्यूब करके दे देगा आपको, आपको सिर्फ चूज करना है और उस बैकग्राउंड म्यूजिक को यूट्यूब आपके लगा दिया कुछ देर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ आपको, इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, ऐड मैंने किया, यहाँ पर आ गया, ये ड्रॉप द टेप्स नीचे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे सेव कर देना, ये इसको म्यूट आउट कर देगा, रिप्लेस हटा देगा, जो ये वाला हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है जिसपे कॉपीराइट आ रखा है और इस वाले को लगा देगा उसकी जगह। तो आप ये चीज कर सकते हो, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा सेव करके, 1-2 घंटे इतने टाइम के अंदर वो आपको वीडियो तैयार करके दे देगा, ठीक है, एंड आपका कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। अब म्यूट सॉन्ग की अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे नजर आ रहा है वो पार्ट म्यूट हो जाएगा हमारा, तो कॉपीराइट क्लेम अपने आप ही हट जाएगा। म्यूट का ऑप्शन चूज करो तो यहाँ पे अपने को दो ऑप्शन मिलते हैं इसके अंदर, म्यूट ऑल साउंड सारा पूरा म्यूट कर देगा या फिर वो सिर्फ वो चीज म्यूट करनी है जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, बाकी चीजों की आवाज वो लाके देगा।
दिखेगा आपको, लेकिन बीटा मोड पे अच्छे से काम करेगा नहीं करेगा वो आप टेस्ट कर सकते हो। एंड लास्ट चीज आती है हमारी डिस्प्यूट। अगर आप जानते हो कि जो मैंने कॉन्टेंट यूज करा है ये मेरा कॉन्टेंट है, मैंने बनाया और मेरे पास इसका यूज करने का लाइसेंस है, टाइप ऐसा आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आपके पास लाइसेंस है, तो आप डिस्प्यूट कर सकते हो कि मेरे पे अथॉरिटी है इसको यूज करने की, मेरे को क्लेम नहीं मिलना चाहिए। मैंने डिस्प्यूट पे क्लिक किया। अब क्योंकि मैं इस कॉन्टेंट को ओन करता हूँ, मैंने कोई बैकग्राउंड म्यूजिक पे क्लेम नहीं आ रहा है, किसी और चीज पे क्लेम नहीं आ रहा है, सिर्फ पूरे वीडियो पे क्लेम दे रखा है बिना किसी वजह से, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी से मैं ये चूज करके कंटिन्यू कर लूंगा। इसके बाद मेरा कॉन्टेंट ऑरिजिनल है, नहीं सॉरी मेरे पास लाइसेंस है इसको यूज करने का, कंटिन्यू करा मैंने परमिशन टू यूज, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया ऑल ऑफ द ऑडियो मटेरियल्स दैट हैव बीन यूज इन द वीडियो। ठीक है, मैंने यहाँ पे सबको चेक कर दिया क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी इसको यूज करने की। अपना नाम डाल दिया, सबमिट करा, ठीक है ये सबमिट हो गया। ऐसी करके मैंने अपनी 2-3 वीडियोस का कॉपीराइट क्लेम ऑलरेडी हटा चुका है इस चैनल से, तो मेरी इस वीडियो पे भी कॉपीराइट क्लेम आ रखा था। मेरी लास्ट वीडियो पे बैड न्यूज हॉस्पिटल जाना पड़ा, इसका टाइटल है, इस पर कॉपीराइट क्लेम आ रखा था, लेकिन वो अब हट चुका है क्योंकि मेरी सारी वीडियोस पे पूरे चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आया था, तब मैंने सारी वीडियोस पे अभी ये डाल रखा है, और ये कुछ दिन के अंदर, हफ्ते भर महीने भर के अंदर क्लियर हो जाता है, मेरे कॉपीराइट क्लेम हट जाएंगे और जितना पैसा है मुझे उसके बाद मिल जाएगा वो यूट्यूब होल्ड करके रखेगा मेरे लिए। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो कॉपीराइट क्लेम के ऊपर। कॉपीराइट क्लेम मोस्ट ऑफ द टाइम तभी आता है जब आप किसी का बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करो, तो म्यूजिक लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यूज करो हमेशा, कॉपीराइट प्रोटेक्टेड म्यूजिक मत यूज करो जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन ना हो यूज करने का या फिर लाइसेंस ना हो। तो वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।